Good morning, students. So today we are going to start with your rules of debit and credit. या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपके तीन टाइप के अकाउंट आपने पढ़े हैं उनके क्या रूल्स होते हैं तीनों के, कि किस में आपको डेबिट करना होता है और किस में आपको क्या क्रेडिट करना होता है. ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पहले तो हम बताएंगे. कल मैंने आपको बताया था तीन टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे. पर्सनल अकाउंट, नंबर टू पे इट वॉज रियल अकाउंट एंड नंबर थ्री पे इट वॉज नॉमिनल अकाउंट. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन. वो पर्सन, अब देखो नंबर वन पे हमारा है पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट की जब मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट राम, आई एम टॉकिंग अबाउट श्याम, आई एम टॉकिंग अबाउट ABC कंपनी. इफ यू रिमेम्बर जो कल हमने टॉपिक किया था उसमें बताया था, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं. तो पर्सनल अकाउंट की जब हम बात कर रहे हैं तो राम, श्याम, ABC कंपनी कोई भी हो सकता है. तो इसमें जो हमारा रूल फॉलो होता है वो रूल फॉलो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. डेबिट करते हैं जिसको रिसीव हो रहा हो और क्रेडिट करते हैं जो दे रहा हो. अब सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. मान लो पेड रुपीज 10,000 टू राम. राम को आपने 10,000 पे किया. अब यहाँ पे दो चीजें आई हमारी, दो अकाउंट इफेक्ट हुए. अब पे किया है तो पैसा बाहर गया है मेरे यहाँ से. एक तो मेरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, कैश अकाउंट, और दूसरा मेरा कौन सा इफेक्ट हुआ, राम अकाउंट. राम को मैंने 10,000 रुपए दिए, पेड 10,000 टू राम. तो मेरे दो अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश अकाउंट और राम अकाउंट. अब इस केस में रूल जो हमारा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अब रिसीव कौन कर रहा है यहाँ पे, मैंने जब उसको 10,000 दिए तो रिसीव कौन कर रहा है, राम रिसीव कर रहा है. जब राम रिसीव कर रहा है तो मैं एंट्री क्या कर दूंगी, राम अकाउंट, तो हो जाएगा डेबिट. राम को मैंने दिए हैं डेबिट. रिसीवर कौन है इस केस में, राम है, तो राम को तो हम कर देंगे डेबिट. कितना दिया है, 10,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया है इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. क्रेडिट के आगे हम लिखते नहीं है, जो जनरल एंट्री जो हम करते हैं आगे जब आप करोगे तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश वाली जो है वो ऑटोमेटिकली हम मान के चलते हैं कि वो क्रेडिट है. और जो ऊपर वाला है जहाँ पे हम डेबिट मेंशन कर रहे हैं वो तो डेबिट है ही है. तो पेड 10,000 टू राम, तो रिसीवर कौन है यहाँ पर, राम है, तो राम को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर. तो पर्सनल अकाउंट में जो हमारा रूल फॉलो होता है डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्सन्स की, तो जिसको रिसीव हो रहा है जिस पर्सन को उसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड अकाउंट की, दैट इज योर रियल अकाउंट. जब मैं अपने रियल अकाउंट की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई एसेट्स, माई बिल्डिंग, लैंड, मैं इन चीजों की बात कर रही हूँ. तो इसमें क्या रूल फॉलो होता है जब मैं बात कर रही हूँ एसेट्स की, या तो एसेट खरीदोगे या एसेट बेचोगे, यही हो सकता है हमारा. तो डेबिट, या इसको हम पूरा लिख देते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो अंदर आ रही है एसेट उसको हम करेंगे डेबिट, और जो एसेट हमारे यहाँ से बाहर जा रही है उसको हम करेंगे क्रेडिट. तो रियल अकाउंट में जो हमारा रूल फॉलो होता है, जो कि एसेट्स का अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब एग्जांपल लेते हैं. मान लो आपकी एंट्री है फर्नीचर परचेज रुपीज 10,000 रुपीज. अब यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए में, तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए मेरे, फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट. ये दो अकाउंट मेरे इफेक्ट हुए. तो अब देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, अंदर क्या आ रहा है, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर तो आ गया, और कैश आपके यहाँ से बाहर चला गया, कैश पे किया है ना. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास फर्नीचर आ गया है तो फर्नीचर अकाउंट को तो मैं कर दूंगी डेबिट, टू मैं कर दूंगी कैश. क्यों, क्योंकि कैश मेरे यहाँ से क्या हो गया है, बाहर चला गया है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया है तो मैंने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट.
फर्नीचर को मैंने डेबिट किया, क्यों किया? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी जब हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, जब हम रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो रूल विच इज टू बी फॉलोड इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल अकाउंट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्संस, जिसको रिसीव हो रहा होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे अकाउंट की। तीसरा जो हमने अकाउंट पढ़ा था, दैट वाज नॉमिनल अकाउंट। अब जब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स एंड इनकम्स, या ऑपोजिट कह लो, एक्सपेंस और इनकम हो गए, प्रॉफिट और लॉस हो गए। मतलब जब मैं अपने खर्चों और नुकसान या मुनाफे और इनकम की बात कर रही हूँ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट माई नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जो आपके खर्चे हो गए, जो आपकी इनकम्स हो गई, जो आपके लॉसेज हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जब हम नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अपनी एक्सपेंसेस की और अपने इनकम्स की। जब हम अपने नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो इस केस में जितने भी आपके खर्चे होते हैं, अब इसमें रूल पहले हम देखते हैं, रूल क्या फॉलो होता है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा रूल होता है हमारा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जो हमारा रूल फॉलो होता है वो ये रूल फॉलो होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पेड सैलरी टू मोहन। अब मैंने मोहन को सैलरी दी ₹5,000। अब मैंने मोहन को सैलरी दी है, तो सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट बन गया। एक तो मेरा अकाउंट इफेक्ट हुआ सैलरी अकाउंट, सैलरी दी है मेरे लिए खर्चा हो गया, खर्चा ही है, बदले में मोहन मुझे काम तो करके दे रहा है, बदले में कोई एसेट तो नहीं आई, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट हो गया, और कैश की फॉर्म में मेरे यहाँ से ₹5,000 चले भी तो गए, तो दूसरा अकाउंट मेरा कौन सा इफेक्ट हुआ, कैश अकाउंट। ये दो अकाउंट मेरे इफेक्ट हुए। तो मैंने आपको रूल बताया इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो दिस सैलरी अकाउंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर मी ना, खर्चा ही तो है मेरे लिए, तो मैं क्या करूँगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश को यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया, अब मैंने सैलरी दी है मोहन को, कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया। कैश मेरी क्या होती है, एसेट होती है। जो रियल अकाउंट में हमने रूल पढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपके यहाँ से बाहर जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो उस केस में एक यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, तो क्यों हुआ, मेरा रूल लगा डेबिट ऑल एक्सपेंस, और टू कैश मैंने जब किया, क्यों किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा ध्यान से देखो, दोनों चीज़ें अलग अलग थी यहाँ पर मेरी, एक मेरा सैलरी अकाउंट इफेक्ट हो रहा था, एक मेरा एसेट का अकाउंट, मतलब एक चीज़ मेरी एक्सपेंस थी और एक चीज़ मेरी एसेट थी। तो एक्सपेंस वाले केस में एक्सपेंस वाला रूल लगाएंगे, जो नॉमिनल अकाउंट का लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैंने सैलरी अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कैश जो कि मेरी एसेट होती है, तो वहाँ पर जो मैं रूल लगाऊंगी वो रियल अकाउंट वाला लगाऊंगी, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट, मेरे यहाँ से कैश जो है वो बाहर चला गया। अभी आपको लग रहा है ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं, बट जब आप इनको करने लगोगे, क्वेश्चंस जब हम इनके करने लगेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब फिर से मैं आपको एक समरी सी बनाकर बता देती हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट, वन इज योर पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज योर रियल अकाउंट, एंड थर्ड इज योर नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के लिए जो मैंने रूल फॉलो किया, क्या रूल फॉलो किया, डेबिट द रिसीवर, और दूसरा रूल क्या फॉलो हुआ, क्रेडिट द गिवर। वी आर टॉकिंग अबाउट पर्संस, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रियल अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट माय एसेट्स। तो रूल क्या फॉलो होगा, जब एसेट्स अंदर आएंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज
आउट। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार बोल रही थी कि जो आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो अगर क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्या चीज हमारी एसेट है, क्या चीज हमारी लायबिलिटी है, क्या चीज हमारी एक्सपेंस है, क्या चीज हमारी इनकम है, वो क्लियर हो जाएगा तो ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पर्सनल अकाउंट में हमने रूल फॉलो किया डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में हमने रूल फॉलो किया डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉमिनल अकाउंट तो आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये तीन रूल थे बेटा हमारे। एक बार दोबारा इस वीडियो को समझना, एक बार नहीं आया तो चार बार देखना इसको, लेकिन समझना जरूर। नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी, बट ये रूल्स ऐसे होने चाहिए कि कोई नींद में भी उठ के तुम्हें पूछे तो तुम्हें ये रूल्स पता होने चाहिए, ये क्लियर होने चाहिए तुम्हें ये रूल्स। ओके, थैंक यू।